हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं नेस्ले इंडिया स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो और जानेंगे किन लेवल्स पर खरीदारी का मौका बन सकता है। तो अभी हम मंथली चार्ट पर हैं, तो मंथली चार्ट पर हम स्टॉक में देखेंगे ट्रेंड कंटिन्यू है, अप ट्रेंड है, कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना करके। तो वीकली चार्ट पर देखें, वहां से कुछ और समझ में आए। जी हाँ, तो वीकली चार्ट पर हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। जो सपोर्ट है वो समथिंग 23,440 के आसपास है, वहां से स्टॉक में ब्रेकआउट है। अब बात करते हैं डेली चार्ट पर, रेजिस्टेंस भी फाइंड कर ही लेते हैं। तो रेजिस्टेंस है हमारा 24,760 के समथिंग, ठीक है। डेली चार्ट पर देखें, दोनों जगह से स्टॉक में बुलिश है, यानी कि हम पॉजिटिव ले सकते हैं। डेली चार्ट पर आप क्या देखेंगे कि स्टॉक ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब यहाँ आपको क्या लगता है, स्टॉक नीचे यहाँ पे आएगा? नहीं, स्टॉक नीचे नहीं आएगा, ठीक है। स्टॉक यहीं से रिकवर करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे स्टॉक में आने की संभावना जो बनती है वो लगभग 23,700 या 23,800 तक के आसपास की बन सकती है। 23,800 के आसपास आने के बाद स्टॉक में मूवमेंट ऊपर की तरफ होने की पूरी संभावना है, ठीक है। बात करें स्टॉप लॉस की, तो आप यहाँ पे खरीदारी करेंगे तो 23,800 पर आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं 23,700 के आसपास का, ठीक है। बात करेंगे टारगेट की, टारगेट आपका 24,800 ऑलरेडी है, उसके बाद लगभग 24,800 के बाद 25,600 तक के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर नजर बना करके रख सकते हैं और अपने खुद के रिस्क और एनालिसिस पर बाय करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।